आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है एसफिक्सियल डेथ। हम इसको पढ़ रहे थे। एसफिक्सियल डेथ, इसमें हम लोग हैंगिंग पढ़ चुके थे, और उसके अलावा हम लोग ने स्ट्रैंगुलेशन देखा था, कैफे कोरोनरी सिंड्रोम देखा था, सफोकेशन के टाइप्स देखे थे कि सफोकेशन किस किस तरीके से हो सकता है। अब एक डाउट जो कई लोगों का मेरे पास आया है, ड्रोन्स में दो जगह दो बात लिखी हुई है कि सफोकेशन जो है, एक जगह होता है कि सफोकेशन से डेथ किसमें होती है, फिर लिखा है वही सेम चीजें लिखी है, सफोकेशन से डेथ नहीं होती उसमें भी। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करने की जरूरत है कि सफोकेशन जो होता है वो होता क्या है। सफोकेशन जो होता है वो सफोकेशन एक टाइप का एस्फिक्सिया है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सफोकेशन एक टाइप का ऐसा एस्फिक्सिया है जो कि किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन से होता है, कि जो पैसेज ऑफ एयर है यानी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, लेकिन किसी और मीन से, कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक या ड्रोनिंग को छोड़कर। प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए, कितना भी कहो। अदर देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक और ड्रोनिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसमें आता है स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग में क्या होता है? मतलब उसमें कवर कर देते हैं ना माउथ और नोज को, हैंड हाँ, को नॉस्टिल्स कवर। और माउथ को कवर कर देते हैं स्मॉदरिंग में। तो ये एयर पैसेज को आउटसाइड से हम ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर उसकी इसमें आता है चोकिंग। एक काम करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर क्लास कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि सफोकेशन क्या है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक है, ड्रोनिंग है, तो उसको अलग रखा गया है, बाकी किसी और तरीके से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसमें आता है स्मोदरिंग, आता है उसमें चोकिंग। चोकिंग क्या होता है इंटरनल पैसेज का इंटरनल एयर क्लोजर। पैसेज में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो? हाँ, चोकिंग में एयर पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन वो जो कॉज है वो अंदर ही कहीं है, कोई किसी अंदर उसके जाके कोई चीज ऑक्लूड हो गई है, जो फंस गई है वहां पे जाके, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि एसफिक्सिया हो रहा है। उसके बाद है ट्रॉमेटिक एसफिक्सिया। ट्रॉमेटिक एसफिक्सिया क्या होता है? एक्सीडेंट मैम, वो ट्रॉमा वगैरह हाँ, से चेस्ट कंप्रेशन होता है। कोई चेस्ट पे कोई ट्रॉमा हो रखा है जिसकी वजह से, मतलब ऐसा जिसकी वजह से रिस्पायरेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉदरिंग में तो जो एस्फिक्सिया करेंगे उसमें एक्सटर्नल एयर पैसेज को तो मतलब वो कर देते हैं, ऑक्लूड कर देते हैं, चाहे वो हैंड से करें, क्लोथ से करें या प्लास्टिक बैग से, लेकिन एक्सटर्नली करते हैं। और ये जो चोकिंग है, चोकिंग में क्या होता है कि उसका जो कॉज होता है वो अंदर होता है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी चीज है। तो इसमें क्या होता है, जब चोकिंग होती है तो जो मतलब एक वो कफ करने की कोशिश करता है, जो कि जाहिर सी बात है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई चीज फंस जाएगी तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना कि खांसी आएगी, तो खांसी के थ्रू जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता, जिसकी वजह से चोकिंग होती है। तो इसमें जो डेथ होती है चोकिंग में, वो एस्फिक्सिया से भी हो सकती है, वैगल इनिबिशन भी हो सकता है, या फिर कोई चीज ऐसी गई तो लेरिंजियल स्पाज्म हो सकता है, ब्रैंको स्पाज्म हो सकता है,
ठीक है, एक होता है गैगिंग, गैगिंग क्या होता है क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसे कपड़ा वगैरह डाल दिया, जैसे रुमाल है या कोई और चीज है, अगर उसको जब मुंह में ठूस देते हैं तो क्या होता है कि जो सलाइवा म्यूकस ये सब जो रहता है ना, उसको और उसको मॉइस्चर कर देता है। जब जब उसकी वजह से उसको पूरा मॉइस्चर मिल जाता है तो उसमें जो पोर्स होते हैं ना वो तक ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पूरी तरीके से वो एयर का भी पैसेज को बंद कर देती है। क्योंकि अगर ऐसे मान लो हल्का, अगर हल्का मान लो उसको कपड़ा डाल दे रहे हैं तो कपड़े में इतने पोर्स होते हैं ना कि एयर वे मतलब एयर जा सकती है उसमें, लेकिन जब उसमें म्यूकस वगैरह और आ जाता है तो वो नहीं जा पाती, तो इस वजह से चोकिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज इसमें आती है। लेकिन थ्रोटलिंग जो है, थ्रोटलिंग हो गया या फिर ड्रोनिंग हो गया, स्ट्रैंगुलेशन हो गया, ये सब इसमें नहीं आएगा, सफोकेशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस मैम। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सफोकेशन में, हाँ देखो एक चीज और ध्यान से सुनो, बाद में मत पूछना, तुम लोग को बार बार कंफ्यूजन होता है रूम्स पढ़ के, उसको अभी सही कर लो। यहाँ पे जो लिखा है मेथड विच डज नॉट लीड टू डेथ बाय सफोकेशन, उसमें लिखा है स्मॉदरिंग और थ्रॉटलिंग, ये गलत है। स्मॉदरिंग जो है वो सफोकेशन में ही आता है। हाँ थ्रॉटलिंग सही लिखा हुआ है, थ्रॉटलिंग इसमें नहीं आता सफोकेशन में। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। अरिबा नाज? यस मैम, समझ आ गया है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे ये एकदम ध्यान रखिएगा कि सफोकेशन होता क्या है। तो ये चीज क्लियर हो गई? बोलो, हो गई ना क्लियर? यस मैम। और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का एक और नाम है जिसे बोलते हैं क्रश एस्फिक्सिया। ये भी सफोकेशन में ही आएगा, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, उसको बोलेंगे क्रश एस्फिक्सिया। मैम स्ट्रैंगुलेशन सफोकेशन में नहीं आएगा ना? नहीं, स्ट्रैंगुलेशन में नहीं आएगा। तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया जो है, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर चेस्ट को दिया जाता है, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेटरी मतलब मूवमेंट है वो नहीं हो पाते, रिस्पायरेशन नहीं हो पाता। एक्सीडेंट वगैरह में बहुत कॉमन है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। इसका नाम किस पे रखा गया है? एक प्रोसेस होता है जिसमें, उस दिन मैंने बताया था कि जिसमें दो चीज आती है, दो मेथड आते हैं, क्या नाम था उसका, उसमें ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है। बर्किंग बताया था ना, बर्किंग क्या होता है? स्मॉदरिंग और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। हाँ, स्मॉदरिंग और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि इसमें बर्किंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। बर्किंग का नाम क्यों पड़ा? जो एक तो दो मर्डरर थे, बर्की और हैरे, ये इनका मारने का तरीका था लोगों को, ये ऐसे ही मारते थे। बर्की जो था वो जो विक्टिम होता था उसके चेस्ट पे बैठ जाता था और अपने हाथ से उसके नॉस्ट्रिल को कवर कर देता था, और जो जॉ था उसको पुश करता था ऊपर की तरफ,
जिसकी वजह से तो स्मॉदरिंग होती थी और चेस्ट पे बैठ जाता था, इसकी वजह से ट्रॉमेटिक एसिफिजिया होता था, तो इसलिए इसका ये नाम पड़ा। ठीक है, ये बर्किंग हो गया, ये भी मैं बता चुकी थी पहले। अब आज हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है ड्रोनिंग। ड्रोनिंग से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ड्रोनिंग क्या है, ड्रोनिंग भी एक तरह की एसिक्सियल डेथ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो एयर पहुंचनी चाहिए लंग्स में वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बॉडी जो है वो उसका समर्जन हो जाता है पानी में या कोई और भी फ्लूड हो उसमें। जरूरी नहीं कि कंप्लीट समर्जन हो, अगर इतना सफिशियंट फ्लूड है कि वो कवर कर दे रहा है नॉस्ट्रिल और माउथ को। कट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ड्रोनिंग तो ये समझ में आ गया कि ड्रोनिंग होती क्या है। अब इसमें ड्रोनिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि ड्रोनिंग का क्लासिफिकेशन क्या है। इसके दो टाइप हैं, टिपिकल देन एटिपिकल। टिपिकल वो है जो एक ड्रोनिंग के नाम से ही जो चीज हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस पानी एयरवे में चला गया जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो रही है, तो वो है टिपिकल ड्रोनिंग। लेकिन एटिपिकल ड्रोनिंग वो कंडीशन होती है, एटिपिकल चुकी है वो ये कंडीशन होती है कि जिसमें बहुत थोड़ा पानी या फिर बिल्कुल भी पानी नहीं गया एयर पैसेज में, उसके भी बहुत सारे टाइप है। टिपिकल को बोलते हैं वेट ड्रोनिंग, इसको बोलते हैं ड्राई ड्रोनिंग। नहीं, एटिपिकल के जब टाइप है तो उसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें आता है ड्राई ड्रोनिंग। एक आता है ड्राई ड्रोनिंग, एक इसमें होता है इमर्जन सिंड्रोम, एक होता है समर्जन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस। उसके अलावा एक होता है नियर ड्रोनिंग, या फिर इसी को हम लोग सेकेंडरी ड्रोनिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टिपिकल ड्रोनिंग। टिपिकल ड्रोनिंग मैंने बताया, टिपिकल ड्रोनिंग क्या है, जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसका इनहेलेशन हो जाता है, इसको वेट ड्रोनिंग भी बोलते हैं, इसको वेट ड्रोनिंग भी कहते हैं। अब इसमें दो टाइप का होता है। देखिए क्या होता है कि जब वाटर इनहेल्ड करता है तो विक्टिम उसको सीवियर चेस्ट पेन होता है, और जब उसको इतना एक्सेस वाटर चला जाता है लंग्स में तो उसका सर्वाइवल का जो चांस होता है बहुत कम हो जाता है। तो इसमें दो तरीके के पानी में ड्रोनिंग हो सकती है, या तो फ्रेश वाटर हो या फिर सॉल्ट वाटर हो, तो उसकी दोनों की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो अलग अलग है। यानी टिपिकल ड्रोनिंग के भी कितने टाइप हो गए बताइए, कितने टाइप हुए टिपिकल ड्रोनिंग? टू टाइप, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। देखिए अब इसकी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। जब फ्रेश वाटर में ड्रोनिंग होगी तो जाहिर सी बात है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो लंग्स में एंटर करेगा, वो क्या करेगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन से क्रॉस करके फिर सर्कुलेशन में चला जाएगा। जब सर्कुलेशन में पानी ज्यादा हो जाएगा, वाटर एक्सेस हो जाएगा, तो कौन सी कंडीशन आएगी? हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन आएगी।
क्या होता है कि रेड सेल जो होगी वो स्वेल कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी. जब रेड सेल बस्ट करेगी, हीमोलिसिस होगा, तो जाहिर सी बात है हीमोलिसिस होगा तो उसमें से पोटेशियम निकलेगा, पोटेशियम रिलीज होगा. तो जब पोटेशियम रिलीज होगा तो उसकी वजह से हाइपरवॉलीमिया हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया, इसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने लगेगा. ज्यादा अगर पोटेशियम ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कराएगा ना, इसकी वजह से जो डेथ होती है वो 4 to 5 minutes में हो जाती है. ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. फ्रेश वाटर में डेथ कब हो रही है? 4 to 5 minutes में. अब देखेंगे साल्ट वाटर ड्रोनिंग में क्या हो रहा है. जाहिर सी बात है कि जो वाटर इनहेल किया गया उसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो जब सॉल्ट ज्यादा है तो उसकी वजह से अब वो हाइपरटोनिक है, जो हमने इनहेल किया वो हाइपरटोनिक है, तो सर्कुलेशन से पानी जाएगा ना, वाटर का मूवमेंट किस साइड होगा? सर्कुलेशन से लंग्स में जाएगा ना. पहले से ही पढ़ रखा है हम लोगों ने कि अगर क्या होता है कि अगर उसकी टोनिसिटी के अकॉर्डिंग अगर वहां पे जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर सर्कुलेशन से निकल के जाने लगेगा लंग्स की तरफ, क्योंकि जो पानी इनहेल किया गया है वो हाइपरटोनिक है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट है, जिसकी वजह से पानी जो होगा वो सर्कुलेशन से निकल के लंग्स की तरफ जाएगा. तो अब सर्कुलेशन में जो होगा वॉल्यूम क्या होगा? सर्कुलेशन में कम होगा, हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन होगी. ये कंडीशन होगी हाइपोवॉलीमिया की. देखिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें हाइपरवॉलीमिया है, अब सॉल्ट वाटर में हाइपोवॉलीमिया हो रहा है. उसके अलावा जाहिर सी बात है कि जब लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा ना. उसके बाद सर्कुलेटरी शॉक होगा, क्योंकि शॉक क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है, हाइपोवॉल्यूमिया. हाँ, सर्कुलेटरी शॉक होगा. उसके बाद फिर जब ये सारी कंडीशन आती है तो ये पूरा प्रोसेस टाइम लेता है 8 to 12 minutes का. तो इन दोनों का टाइम याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, याद हो जाएगा, ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है याद हो जाएगा. समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब टिपिकल ड्रोनिंग हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे एटिपिकल ड्रोनिंग. एटिपिकल ड्रोनिंग मैंने बता दिया, अब उसमें सबसे पहला कौन सा था? ड्राई ड्रोनिंग. ड्राई ड्रोनिंग क्या होता है? ड्राई ड्रोनिंग ये होता है कि जो वाटर बहुत थोड़ा अमाउंट में वाटर इंटर करता है नेसोफेरिंग्स और लैरिंग्स में, ये क्या करा देता है? लैरिंजियल स्पाज्म करा देता है. ठीक है, वो थोड़ा सा उसके ट्रिगर होने से ही, या तो बहुत थोड़ा सा पानी गया एयर पैसेज में, वो करा देगा लैरिंजियल स्पाज्म करा देगा. जब लैरिंजियल स्पाज्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो एयर पहुंचनी चाहिए वो नहीं जाएगी, तो इसमें जो डेथ होगी वो एस्फिक्सिया से होगी. तो इसमें अक्सर अगर ऐसा होता है तो रिसिटेशन करते हैं, तो वो ये मतलब रिसिटेशन के थ्रू हम पेशेंट को बचा सकते हैं.
क्योंकि इसमें लेंजल स्पास्म हुआ रखा रहता है तो वो रिसिटेशन से ठीक हो जाएगा. इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेरिंजियल स्पाज्म. दूसरा क्या था, इमर्जन सिंड्रोम. इमर्जन सिंड्रोम, इमर्जन सिंड्रोम में क्या होता है, इमर्जन सिंड्रोम को वैग में होता है वैगल इनहिबिशन. वैगल इनहिबिशन क्या होता है, कोई भी बताए. क्या होता है वैगल सर, ये पैसे दे देते. हाँ वैगस नर्व मैम वो हाँ, इसमें क्या होता है कि जब अगर कोई प्रेशर होता है वैगस नर्व को, उसमें कोई इंटरप्शन आ जाता है जिसकी वजह से ही होता है. क्योंकि वैगस नर्व की सप्लाई कहाँ कहाँ पे है, हार्ट को और मैम तो इसकी वजह से उसमें अगर कोई इंटरप्शन होता है तो जिसकी वजह से सडन डेथ होती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा अगर वैगल इनहिबिशन होगा तो. क्योंकि कब कब किस किस कंडीशन में हो सकता है, या तो बहुत ठंडा पानी है, या फिर डायरेक्ट जो है उसके अगर उसने ऐसे एंट्री किया है कि डायरेक्ट उसका एपिगैस्ट्रियम पे उसका वो पड़ा, प्रेशर पड़ा वॉटर का, अगर उसने ऐसे एंट्री किया, या फिर उसको अचानक से बहुत ज्यादा पानी का डर हुआ. ठीक है, मतलब पहले सबसे पहले क्या हुआ कि वाटर उसके सबसे पहले फीट पे लगा, डक डाइविंग कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर ऐसी कोई भी कंडीशन में अगर वैगल इनहिबिशन होता है तो वो इमर्जन सिंड्रोम में आएगा. एक कंडीशन इसमें और होती है, सबमर्जन ऑफ द अनकॉन्शियस. इससे क्या समझ में आ रहा है मैम, मतलब के पहले जो अनकॉन्शियस है वो और उसके बाद उसकी ड्रॉनिंग हुई है. हाँ, मतलब जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आया वो अनकॉन्शियस हो गया. जब जाहिर सी बात है जो अनकॉन्शियस हो जाएगा तो वो फिर डूबेगा ही ना. तो अगर कभी मान लो कि जैसे ही पानी में गया वो विक्टिम, उसको मान लो एपिलेप्सी हो रखी है या फिर कोई हार्ट डिजीज है या डिजीनेस हो गई या फिर ड्रंक है या कोई, जैसे ही वो पानी के कॉन्टेक्ट में आया इतना तेज हुआ कि उसको कोई हेड इंजरी फौरन हुई या फिर सेरेब्रल एनरिज्म हो गया, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन है तो इस तरीके की मतलब हो सकती है कि अनकॉन्शियस स्टेट में वो सबमर्ज कर गया हो. एक और कंडीशन होती है इसमें, नियर ड्रोनिंग. या फिर इसका एक और नाम है सेकेंडरी ड्रोनिंग सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये समझो कि ये जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन होता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है. इसमें क्या होता है कि जब अगर मान लो उस टाइम पे पेशेंट जो पर्सन है उस टाइम सरवाइव कर गया, उस टाइम वो बच गया, लेकिन उसको फिर कॉम्प्लिकेशन इसके आए. जैसे कि मान लो अगर ब्रेन को थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी डेवलप हो जाएगी. मैम इस्केमिया वगैरह हो जाएगा. हाँ, उसके अलावा मतलब अगर सेकेंडरी चेंजेस आ रहे हैं लंग्स में या फिर कोई ऐसी चीज है या फिर इंफेक्शन हो गया, जो उसने वाटर नहीं नेल किया उसकी वजह से कोई इंफेक्शन हो गया, तो फिर वो क्या होता है कि वो पेशेंट जो होता है एआरडीएस में चला जाता है. एआरडीएस मतलब हाँ, तो समझ लो कि एक तरह से ड्रोनिंग के कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैदा होता है. ठीक है, नियर ड्रोनिंग या फिर सेकेंडरी ड्रोनिंग इसका नाम है. तो
अब देखो, अब हम देखेंगे क्या क्या इसके जो वो होता है ड्रोनिंग होता है उसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं डेथ के और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैम क्या हुआ, कोई कुछ पूछ रहा है? मैम इसमें एक हाइड्रोकॉशन करके लिखा हुआ, वो सब इमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस को ही कहते हैं क्या? ठीक है मैं बताती हूँ, ये हाइड्रोकॉशन जो होता है वो इमर्जन सिंड्रोम को या फिर जो ये है इसी को बोलते हैं। ओके मैम, मैंने भी बताया ना वैगल इनहिबिशन की वजह से जो हो रही है उसी को बोलते हैं। ठीक है ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रोनिंग में डेथ की वजह क्या क्या होती है और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बॉडी में। तो अभी क्या क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ड्रोनिंग में डेथ का? एसफिक्सिया है। एसफिक्सिया दो वजह से हो सकता है, या तो जो वाटर इनहेल कर रखा है उसकी वजह से एयर पैसेज जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर लैरिंजियल स्पाज्म हो गया। उसके बाद जो ये है फ्रेश वाटर ड्रोनिंग में, मैंने बताया कि हाँ इसमें क्या क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो जा रहा है, वैगल इनहिबिशन से हो रहा है, हाइपोथर्मिया से हो सकता है, या फिर कभी 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 क्या हो, कोई इंजरी हो गई, अनकॉन्शियसनेस हो गई, कार्डियक फेल्योर हो गया, या फिर सेकेंडरी ड्रोनिंग भी हो सकती है, सेकेंडरी ड्रोनिंग सिंड्रोम आ सकता है कि उसके बाद में उसका कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी डेथ हो रही है बाद में, वो उस टाइम तो वो सर्वाइव कर जा रहा है ड्रोनिंग की वजह से, बाद में हो रही है डेथ। तो ये सारी चीज होती है। जब जो अगर जब जो रहता है, मान लो कि जो भी विक्टिम है, अगर वो जब पानी में जाता है तो क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने पढ़ रखा है जब वो पानी में जाने के बाद फिर वो बचने की कोशिश करता है। अगर वो सुसाइडल केस भी है तो भी जब पानी में जाते हैं तो वो कोशिश करेगा कि कोई चीज ऐसी हो जिसको पकड़ लें या कैच कर लें। तो कभी कभी आप लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज, कैडेवरिक स्पाज्म पढ़ रखा है। क्या होता है कैडेवरिक स्पाज्म? वो जो कैटालिटिक न्यूट्रल होते हैं सेलेक्टर क्लेंचिंग ऑफ फिश। हां कैडेवरिक स्पाज्म नहीं होता है कि कभी कभी प्राइमरी रिलैक्सेशन की स्टेट, प्राइमरी रिलैक्सेशन की स्टेज के बिना वो क्या होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ ग्रुप ऑफ मसल में, है ना। सबसे पहले जैसे ही डेथ होती है वैसे फॉरन जो मसल्स होती है उस पे एक स्टेज आती है प्राइमरी रिलैक्सेशन की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ क्या हुआ मैम, ये कैडावर के पास में सिंगल मसल में इन्वॉल्व होता है ना कुछ सिंगल? हाँ सिंगल उसमें होता है, लेकिन जैसे मान लो अगर हैंड की मसल है, ये अगर कोई लोकलाइज्ड मसल ग्रुप है मान लो तो उसमें होगा ना, हैंड में अगर होगा तो वो एक मसल तो नहीं रहेगी ना, लोकलाइज्ड ग्रुप ही होगा ना। तो लोकलाइज्ड मसल ग्रुप अगर है तो उसपे स्पाज्म हो रहा है बिना प्राइमरी रिलैक्सेशन की स्टेज में, फॉरन स्पाज्म हो गया, उसको बोलते हैं कैडवेरिक स्पाज्म। तो ये होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी मड वगैरह होता है ना, वीड है, मड है पानी के अंदर, वो पेशेंट के हाथ, उसमें विक्टिम के हाथ में रह जाता है। तो ये एक साइन है कि जो डेथ हुई है, यानी कि जब उसको पानी, वो पानी में गया तो उस वो अलाइव था, क्योंकि अगर मान लो वो पोस्टमार्टम अगर है तब तो वो उसके हाथ में ये चीज नहीं होगी ना, वो क्लेंज तो नहीं करेगा। उसके अलावा जैसे ही पानी जो होता है रेस्पिरेटरी पैसेज में जाता है तो ये एक इरिटेंट की तरह काम करता है, जहां पे भी, जाहिर सी बात है ये नेचुरल है कि जहां पे भी इरिटेंट होता है वहां पे फॉरन म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो वो म्यूकस और वो पानी मिलके पूरा फ्रॉथ बन जाता है, और वो फ्रॉथ जो होता है वाइट फाइन लेदरी फ्रॉथ जो होता है वो मुंह से और नॉस्ट्रिल से आता है। ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर है ड्रोनिंग का। ठीक है मैम, क्यों आता है ये वाला, आपने क्या बताया एक बार बता दीजिए। मैंने ये बताया कि वाटर जो है वो एक इरिटेंट की तरह काम करेगा, तो म्यूकस सिक्रेशन होने लगेगा, और वाटर और म्यूकस मिलके वो
वैसा फ्रॉथ की तरह से आएगा माउथ से और नॉस्टल से, ठीक है। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, फाइन फ्रॉथ आना नोज और माउथ से, और उसके अलावा क्लेज्ड उसमें हैंड में वीड मड ये सब की प्रेजेंस, ये सब ये बताता है कि हाँ ये मतलब जब वो बॉडी जो थी वो अलाइव थी। क्रॉच जो होता है कुछ कंडीशन में और आता है, जैसे कि ओपीआइड है, कोकेन है, बारबिट्यूरेट्स है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, ये सब में भी आता है, लेकिन क्रॉच इस तरीके का अमाउंट में ज्यादा नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत होता है। अब देखो इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक चेंज ये होता है क्यूटिस एंड सेरिना या फिर गूज स्किन, ये मैंने पहले भी बताया था। जिसकी वजह से स्किन जो होती है गूज की अपीयरेंस की, गूज स्किन जैसी अपीयरेंस होती है क्यूटिस एंड सेरिना, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। तूबा आप बताइए इरेक्टर पाइली मसल होती कहां पे है? ठीक है कोई भी बता दे। आंखों में शायद ना, स्किन में, स्किन में होती है मैम, स्किन में होती है, हेयर फॉलिकल्स पर होते हैं ना मैम। हाँ स्किन में हेयर फॉलिकल्स पे होती है, उसके जब वो उसमें स्पास्म आता है तो जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल इरेक्टेड इरेक्टेड दिखाई देते हैं, मतलब वो उस तरीके से दिखाई देते हैं कि जैसे एकदम कॉमन है बहुत सारे, मतलब देखा भी होगा आप लोगों ने, उसी के स्पास्म की वजह से वो गूज जैसी अपीयरेंस आएगी, गूज स्किन जैसी अपीयरेंस। हाँ गूज बम्स, तो वही चीज, ठीक है। स्किन जो होगी वो ग्रैनुलर दिखाई देती है, हेयर्स उसके बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। ये कंडीशन और कहाँ पड़ी थी? राइगर मॉर्टिस में पड़ी थी मैम, उसमें पड़ी थी राइगर मॉर्टिस। वेरी गुड वेरी गुड, राइगर मॉर्टिस में पड़ी थी, ठीक है मैम। वैसे ये वाली जो कंडीशन होती है कभी कभार मतलब बहुत ज्यादा डर वगैरह एक्साइटमेंट वगैरह में भी, हाँ, वो इसमें भी होती है कि वो गूज बम्स आ जाते हैं, लेकिन अगर वो डेथ मतलब डेथ उसमें है कंडीशन में तो उसको डर वर तो रहने जाएगा जब वो मरी गया है तो। उसके अलावा और क्या चीज देखने को मिलती है? वॉशरमैन हैंड एंड फीट, ये क्या होता है? जब बहुत देर तक पानी में हाथ डाले रहते हैं तो मतलब हाथों पे झुर्रियां टाइप की वो मतलब वैसा हो जाता है, डेवलप हो जाती है उसे, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है, ये तो बताता है कि कितने देर तक बॉडी पड़ी रही, ठीक है, बिल्कुल रिंकल्ड अपीयरेंस जैसी होगी क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्शन जो होता है पानी का उसकी वजह से होता है। तो ये चीज देखने को मिलेगी, तो इंटरनल अपीयरेंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक में चेंजेस आएंगे और बाकी भी वो पानी जो होगा स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा और टिश्यू के अंदर डायटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो पानी होता है उसमें डायटम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। अब वो कहाँ फिर उसके बाद देखने को मिलते हैं? बोन्स में, और वो भी स्पेशली सबसे अगर हमें डायटम टेस्ट करना होता है तो हम बोन मैरो में देखते हैं फीमर की। ये एक इंटरनल साइन है, ये भी एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग का, ठीक है। डायटम्स होते क्या है? डायटम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ये एक्वेटिक एल्गी होते हैं जिसके ऊपर सिलिका कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो होता है ये एसिड से डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा एक और, एक तो डायटम टेस्ट होता है और एक और टेस्ट होता है ड्रोनिंग में जिसको बोलते हैं जेटलर टेस्ट। जेटलर टेस्ट क्या होता है?
जिटलर टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, क्लोराइड का कंटेंट देखते हैं ब्लड में, दोनों साइड ऑफ हार्ट में देखते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंस में, प्रेजेंट टाइम में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जेटलर टेस्ट किसमें कराते हैं, आंसर विल बी ड्रोनी, या तो ये स्टेटमेंट वाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जेटलर टेस्ट इस कंडीशन में कराते हैं और इसमें ये मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे दिया कि इसमें ये देखते हैं, मान लो दे दिया पोटेशियम, तो आपको पता होना चाहिए क्या देखते हैं, क्लोराइड कंटेंट देखते हैं लेफ्ट और राइट चैम्बर में, ठीक है। एक कंडीशन और देखने को मिलती है, इम्फाइजिमा एक्वेसम, ये क्या होता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का चेंज है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसको बोलते हैं बैलूनिंग ऑफ द लंग्स, होता है बैलूनिंग ऑफ लंग्स, क्यों, क्योंकि फ्लूड और एयर जो होती है वो एल्वियोलाई में जाके प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं बैलूनिंग ऑफ द लंग्स, इतना ज्यादा जो लंग्स होता है वो बिल्कुल हार्ट को कवर कर देता है और पूरा जो चेस्ट होता है ना वो पूरा बल्ज आउट होता है, अगर उसमें स्टर्नम कुछ ऐसे रिमूव किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम में चीज देखेंगे, अगर स्टर्नम रिमूव करते हैं तो पूरा चेस्ट जो होता है वो बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था जेटलर टेस्ट वो बायोकेमिकल चेंजेस है ब्लड का, उसके अलावा वाटर मिलेगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, जिस टाइप का वाटर होगा वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये था ड्रोनिंग, ड्रोनिंग में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था, ज्यादातर चीजें मैंने पढ़ा दिया, बहुत कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अभी हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं, एसिफिक्सियल डेथ कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक चीज में रह गई है, एक टाइप का हेमरेज प्रेजेंट होता है अगर ड्रोनिंग की कंडीशन में, सब प्लूरा यानी प्लूरा के जस्ट नीचे हेमरेज प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, पॉल्टॉक्स हेमरेज, पॉल्टॉक्स हेमरेज, पॉल्टॉक्स हेमरेज, हिमोन्स हेमरेज, ये रह गया था, क्योंकि क्या होता है कि जो एल्वियोलर वॉल होती है वो रप्चर कर जाती है, और मतलब मान लो कि वो भी देखने को मिलता है टेम्पोरल बोन में, हेमरेज भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कौन सा हेमरेज पढ़ा था, और एक चीज ये बताइए कि इसमें जो जो स्टेनिंग होगी पोस्टमार्टम स्टेनिंग होगी ड्रोनिंग के केस में वो कहाँ मिलती है, कहाँ पे मिलेगी, फेस पे मिलती है, मैम अभी को क्या बताया, फेस पे स्टेनिंग, ठीक है। और हैंगिंग के केस में कहाँ मिलती है, हैंगिंग के केस में लिम्स पर, हैंड्स और लेग्स पे देखने को मिलेगी, ठीक है।